सो so, काफ़ी सारे लोगों ने एंग्जाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन भेजे हैं सो आई वुड वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंग्जाइटी को समझना ज़रूरी है हम लोग इसको एक अम्ब्रेला टर्म दे देते हैं कि मुझे एंगजाइटी हो रही है या मैं किसी को जानता हूँ या जानती हूँ जिसको एंगजाइटी के सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंग्जाइटी एक बहुत नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फिजियोलॉजिकल से मुराद आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब उसको लगे कि उसके इन्वायरमेंट में कहीं कोई थ्रेट है एंड आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करती है राइट टू हैंडल दैट थ्रेट सो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है माइट right? आपकी बाकी सारे ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है आपके पैरों में ज़्यादा जान आ जाती है बिकॉज आपका एक सर्वाइवल मैकेज़म कि इन कर जाता है इंग्जाइटी हर किसी को किसी न किसी स्टेज पे होती है बट ये समझना ज़रूरी है कि हम हमें किस किस्म की एंगज़ाइटी हो रही है मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करूँ एक होती है सिचुएशनल एंग्जाइटी कल आपका एग्ज़ाम है अगले हफ़्ते आपका जॉब इंटरव्यू है कोई बड़ा इवेंट आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन ये बहुत नॉर्मल है और ये इनफैक्ट आपके लिए हेल्दी भी है बिकॉज ये आपको प्रिपेयर करती है एक चीज़ जब आपको इतनी मैसेव या उसका इम्पैक्ट आप पे इतना हो तो आपकी बॉडी उसको आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही होती है सो so, एंग्जाइटी उस हद तक इट्स इट्स वेरी नॉर्मल उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दूसरी चीज़ होती है स्पेसिफिक एंग्जाइटी जो फोबियाज़ भी हम उसको कहते हैं Uh, किसी को हाइट का फोबिया है राइट right? गोराफोबिया होता है जो कि uh, प्लेन्स में बंद हो जाए एलिवेटर में सांस रुकना शुरू हो जाए क्लास क्लौस्ट, uh, जिसको कहते हैं राइट सो ये स्पेसिफिक किस्म की फोबियाज हैं ये भी एंग्जाइटी के अंडर आते हैं राइट right? um, उसके अलावा एक होती है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी ना जनरलाइज एंगजाइटी वो है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि आप हर एक चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं Um, बात इतनी बड़ी होती नहीं है जितना ब, जितना ज़्यादा आप उस पर टाइम लगा लेते हैं आप कॉन्सटेंटली वही सिनेरियो वही सिचुएशन आपके माइंड में कॉन्सटेंटली गुजर रहा हो एक इस तरह की एंजाइटी भी होती है उसके बाद और और किस्म की एंजाइटीज जो कि मेडिकेशन से रिलेटेड हो फाइनेंशियल स्ट्रेस से रिलेटेड हो रिलेशनशिप में कोई इशू हो उससे रिलेटेड हो या फिर um, खुदा न खास्ता फैमिली की या किसी क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हो जाए उससे रिलेटेड हो ये हर किस्म की एंगजाइटीज़ इंसान एक्सपीरियंस करता रहता है थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ मेरी एक किस्म की होगी आपकी डिफरेंट किस्म की होगी प्रॉब्लम तब आती है जब एंजाइटी एक पैटर्न बन जाए जब आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स चीज़ों की तरफ एंक्शस हो राइट right? कि अग इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना आप उस पर टाइम गुजारते हो um, जितना आप उस पर रूमिनेशन जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं हर एक चीज़ कॉन्स्टेंटली इस पर सोचना ये हमारा एक नेचुरल अटैम्प्ट है टू कंट्रोल द सिचुएशन क्योंकि एक ह्यूमन uh, बींग्स की एक नॉर्मल रेगुलर नीड होती है कि कोई सिचुएशन हो तो हमारा उस पर किसी हद तक कंट्रोल हो सो ओवर थिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको बताती है कि अच्छा इसको इस एंगल से भी सोच लो उस एंगल से भी सोच लो इसका ये आउटकम होगा हो सकता है कि इसका वो आउटकम हो सो आप ये सारी सिचुएशन अपने माइंड में लेके बैठे हुए होते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप बन जाती है फिर कि वो कॉर्टेज जो एक स्ट्रेस हार्मोन है आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली स्पाइक होता रहता है इन दैट केस आपको ऑब्वियसली हेल्प की ज़रूरत है फोबिया के केस में आपको हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज़ फ़ोबियाज़ इराशनल होते हैं एलिवेटर में अगर आप जाते हैं किसी लिफ्ट में या किसी प्लेन में आप जहाज़ पे जा रहे हैं सो इट्स हाईली अनलाइकली कि या वो जहाज़ क्रैश होगा या एलिवेटर में आपकी सांस बंद हो जाएगी मगर उस वक्त आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही होती आपकी वर्स के सनारी चल रही होती कि एलिवेटर गिर जाए जहाज़ क्रैश हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकालो एकदम से आपकी बॉडी में लाइक आई सेड एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है एट द कोर ऑफ इट एंग्जाइटीज़ के नीचे जो एक क्रक्स जिसको कहते हैं उसकी कनेक्शन बनती है जाके फियर से फियर एक बहुत नेचुरल इमोशन है हर एंग्जाइटी के पीछे कोई ना कोई फियर होता है माइट right? हमारा इशू ये है कल्चरली एंड आई थिंक जनरली ग्लोबली भी कि हम एंग्जाइटी के सिम्टम्स को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं एंटी एंग्जाइटी पिल पर लग जाते हैं माइट right? मेडिटेशन शुरू कर देते हैं ऑल ऑफ़ दिस थिंग्स अर गुड मैं नहीं कह रही कि अगर आ, आपकी एंगजाइटी बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो तो आप एंटी एंग्जाइटी पिल्स मत लें बिल्कुल लें फर द टाइम टाइम बींग वो आपको हेल्प ही कर सकती है बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपको किस किस्म की एंग्जाइटी हो रही है स्पेसिफिक uh, एंगज़ाइटी आपकी क्या है सेप्रेशन uh, एंग्जाइटी है मेडिकेशन से रिलेटेड एंग्जाइटी है हेल्थ से रिलेटेड एंगजाइटी है फाइनेशल है रिलेशनशिप uh, की कोई एंग्जाइटी है या हो सकता है कि आपका कोई फोबिया हो या हर चीज़ पे ही आपका नेचुरल रिस्पॉन्स एक परेशानी का हो ठीक है पहले तो आइडेंटिफाई करें कि, कि किस किस्म की एंगज़ाइटी हो रही है आपको फिर उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपने किस किस तरफ इसको लेके जाना है डू यू नीड टू टॉक टू या प्रोफेशनल राइट टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे किस चीज़ का डर है मुझे किस चीज़ का खौफ है ये सारी चीज़ें आप एक थेरेपिस्ट कहीं से भी आप हेल्प ले लें इनफैक्ट अगर आप ख़ुद भी बैठ के इस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे ढेरों इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई आप कहीं भी वेबसाइट पे चले जाएं आपको वो एंग्जाइटी की डिफरेंट किस्में बता देंगे और आपको साथ में ये भी बता देंगे कि जब जैसे ही इंग्जाइटी शुरू होती है ये टेक्निक्स हैं ये टूल्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए यू मे हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल तो शॉर्ट टर्म इसकी ये टूल्स हैं आप ब्रीदिंग टेक्निक्स अपने सीख लें योगा कर लें एक्सरसाइज कर लें अपनी मेक श्योर sure आपकी नींद ठीक हो आपकी um, डाइट ठीक हो एक्सरसाइज मिले आपको थोड़ी बहुत बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपके लिए फिजिकली अच्छी हैं इसमें कोई शक नहीं है बट लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा बिकॉज़ ये उसके बगैर जब तक आप समझेंगे नहीं कि एंग्जाइटी जो कि एक सिम्टम है उसके नीचे अंडरलाइन कॉज क्या है सो so आपने अंडरलाइन कॉज तक पहुंचना है जब तक आप वहाँ नहीं पहुंचेंगे ये वही बात है कि रोज़ आपको सर का दर्द हो रहा है और आप एनाडोल खाए जा रहे हैं मगर आपको पता नहीं है और ना आप किसी डॉक्टर के पास जाके पता लगा रहे हैं कि मुझे क्यों रोज़ सर का दर्द हो रहा है वाई एम आई एवरी डे एम आई गेटिंग अ एक अपनी एंगजाइटी के कॉजेज़ समझना सेड like बहुत ज़रूरी है प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी कैफीन रिलेटेड मेडिकेशन रिलेटेड फ़िज़िकल हेल्थ रिलेटेड तो ये एंग्जाइटी नहीं है अगर आपको पता है कि यह आपकी आदत है या दिस इज़ समथिंग जो कि हेबिचुअली आपसे हो रहा है तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी बिकॉज देन यू विल नीड टू गो एंड फाइंड प्रोफेशनल हेल्प फॉर इट टू अंडरस्टैंड इट बेटर बट एंगजाइटी एक बहुत नॉर्मल हिस्सा है लाइफ का दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू से इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इंगजाइटी एक्सपीरियंस ना करता हो जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशनस ना आती हों एंगइाइटी हेल्दी भी है इंगजाइटी आपको इन्फॉर्म करती है कि आपके एन्वायरमेंट में कुछ है जो ठीक नहीं है सो so, एंग्जायटी को स्टिगमेटाइज़ करना या उसको प्योरली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में लाना ये यू नो इट्स इट्स ये हमारी गलती है कि हम इसको इस तरह पोट्रे करते हैं इन ये कोई इतना ऐसा ही है जैसे बाकी सारे इमोशंस हैं। इसी तरह एंजाइटी भी एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंसिस में आती है आपके अगर और कोई भी क्वेश्चंस हो तो ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है प्लीज़ इस पर आप ई करें आई वल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चन